एक समय की बात है, एक गांव में सूरज नाम का एक सेठ रहता था। उसके खेतों में कई गांव वाले काम करते थे। वो बहुत ही बेईमान था। वो सभी मजदूरों से काम अधिक लेता और उन्हें दाम कम देता। सभी मजदूर उससे बहुत परेशान थे। वो गलत तरीके से पैसे कमाकर अपने खेत में एक गड्ढे में दबा देता था। एक दिन रामू नाम का एक किसान सभी गांव वालों से कहता है, भाइयों, ये सूरज सेठ हम लोगों से कितनी मेहनत लेता है और हमें पैसे कम देता है। हमें इस बारे में सूरज सेठ से बात करनी चाहिए। हाँ हाँ रामू, तुम ठीक कहते हो, हमें चलकर सूरज सेठ से बात करनी ही चाहिए। लेकिन रामू बेटा, ध्यान रखना, सेठ बहुत गुस्से वाला है, कहीं तुम्हें पैसे देना ही बंद ना कर दे। अगले दिन रामू हिम्मत करके सेठ के सामने अपनी फरियाद रखता है। सेठ जी, सेठ जी, आज 10 तारीख हो गई है, हमें तनख्वाह दे दीजिए ना, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। हाँ हाँ रामू, दे दूंगा तुम्हारे पैसे, लेकिन भैया अभी पैसे तो नहीं है ना मेरे पास। जब फसल बिकेगी तभी तो पैसे आएंगे, तभी तो मैं तुम्हें दूंगा। खाने के लिए थोड़े बहुत चावल चाहिए तो मुझसे ले जाओ। और हाँ रामू, जाते जाते ये बैल बगीचे में बांध दो। रामू बैलों को बांधने के लिए बगीचे में ले जाता है, लेकिन बैल बगीचे में पहुंचते ही अपने पैरों से जमीन को खोदने लगते हैं। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम, बगीचा खराब मत करो, सेठ मुझे बहुत मारेगा। रामू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैल रुकते ही नहीं। रामू बैलों को डंडा मारकर वहां से भगा देता है और वो गड्ढे के पास जाकर देखता है। अरे, इस गड्ढे में ये क्या चमक रहा है। रामू फावड़ा लेकर वहां खुदाई करता है और वहां उसे सेठ द्वारा दबाया धन मिलता है। अच्छा, तो ये बात है, सेठ यहाँ पैसे दबाता है और हमें कहता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। रामू सभी गांव वालों को वहां लेकर आता है और सभी गांव वाले वहां दबा पैसा निकाल लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। ये बात जब सूरज सेठ को पता लगती है तो भागा भागा वहां आता है। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो छोड़ो मेरा पैसा, रख दो यहाँ पे। अरे सेठ जी, काहे का पैसा, किसका पैसा, ये तो हमारा पैसा है, आप तो कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है। और हाँ सेठ जी, कल से हम आपके यहाँ काम करने नहीं आएंगे, हमें हमारे पैसे मिल चुके हैं। सभी गांव वाले सूरज सेठ के खेतों में काम करना छोड़ देते हैं, जिस कारण सूरज सेठ के खेत उजड़ जाते हैं और वो गरीब हो जाता है। और भूमिगत लॉकर में छिपे हुए पैसों की वजह से सभी मजदूरों को अपनी मजदूरी मिल जाती है और वो लोग दूसरे के खेतों में काम करने लगते हैं। भूमिगत सोने का ट्रेन। चांदीपुर के एक गांव में गोपी और रंगा करके 2 करोड़पति हुआ करते थे। उनके पास बड़े बड़े बंगले और बहुत सारा पैसा था, इसीलिए उनकी एक दूसरे से जमती नहीं थी, लेकिन वह दोनों बहुत बड़े बुद्धू थे। गांव में हमेशा गोपी और रंगा के बीच में कंपटीशन लगा रही थी कि कौन नया चीज खरीदेगा। एक दिन रंगा ने उसके असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर ऐसा बोला, अरे ओ रूपेश, पता करो वो गोपी आजकल क्या कर रहा है, मैंने सुना है कि वह कुछ खरीद रहा है। अरे महाराज, गोपी साहब तो एक सोने की कार खरीद रहे हैं। सोने की कार, उसके पास इतना सारा पैसा कहां से मिला रे। महाराज, गोपी साहब तो अपना पूरा जायदाद, बंगला, जमीन, भेड़ बकरी सब बेच डाले और ऐसे ही आए हुए पैसे से सोने का कार खरीद रहा है। कुछ दिन के बाद गोपी ने उसका पूरा जमीन बंगलों बेचकर एक सोने का कार खरीदता है। रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर उसके सामने ही सोने की कार को रखता है। मालिक, जैसा बोला उस गोपी ने ऐसा ही किया, उसने एक सोने का कार खरीद कर रखा। अबे ओ नालायक, तुम भी कुछ सोच के बताओ कि अब मुझे क्या करना है, मैं क्या खरीदूं ताकि पूरे गांव के लोग चौंक जाएं। उसके बाद रंगा ने बहुत सोचा और एक आइडिया निकालता है। फिर उसके असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर एक भूमिगत सुरंग खोदने के लिए बोलता है।
कुछ दिन के बाद जब भूमिगत सुरंग बन जाती है तब वह एक सुनार को बुलाकर सोने का ट्रेन बनाने के लिए बोलता है। मालिक, सोने का ट्रेन? आप सोच के बात कर रहे हैं ना? सोने का ट्रेन के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस काम करो। फिर रंगा ने उसका भी पूरा जमीन बंगलो बेचकर उस भूमिगत सुरंग में सोने का ट्रेन बना देता है और गांव में ऐलान कर देता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो सब देखकर चौंक जाएंगे। सभी गांव के लोग उस सुरंग के पास इकट्ठे हो जाते हैं। तभी रंगा के इशारे पर भूमिगत सुरंग से एक सोने का ट्रेन बाहर निकलता है। सभी गांव के लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वह ट्रेन पूरी सोने की थी, इसीलिए गोपी भी उसे देखकर चौंक जाता है। फिर गोपी रंगा के असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर ऐसा बोला, अरे ओ रूपेश, तुम्हारा सेठ ने तो कमाल कर दिया रे, मुझे भी कुछ आइडिया दो ना। अरे मालिक, रंगा मालिक ने तो सोने का ट्रेन बना दिया, अब उससे भी अच्छा बोले तो डायमंड का एरोप्लेन बना दो, सब हैरान हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन मन ही मन में ऐसा सोचता है, इन बुद्धुओं को सबक सिखाना है। मैं गोपी के सोने का कार और रंगा के सोने का ट्रेन को चुरा कर दूसरा शहर भाग जाता हूँ, उधर मैं आराम से जीऊंगा। ऐसा ही रूपेश ने एक रात को सोने की कार और ट्रेन को चुरा कर लेके जाता है। दोनों को बेचकर आराम से जीने लगा। और यहाँ पर सब खोने के बाद रंगा और गोपी करोड़पति से भिखारी बन जाते हैं और सड़क पे भीख मांगने लगते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में चंदू नाम का एक मटन वाला रहता था। वो रोज ताजा मटन लाकर गांव में बेचता था। सभी गांव वाले उसके मटन की बहुत तारीफ करते थे। भाई मटन हो तो चंदू के दुकान जैसा हो। एक दिन उस गांव में बहुत तूफान आया और तेज बारिश हुई, पूरे गांव में बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। गांव का बाजार निचले इलाके में होने के कारण पूरी तरह पानी में डूब गया। तूफान और बारिश गुजरने के बाद सभी गांव वाले परेशान हो गए। ओहो, इस तूफान ने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया। शुक्र है हमारा गांव ऊंचाई पर है, इसीलिए हम लोग बच गए, लेकिन बाजार तो पूरी तरह तबाह हो गया। चंदू भी परेशान हो गया, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरी दुकान तो टूट गई है और बाजार में पानी भरा है, अब मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा? ऐसे ही कई दिन बीत गए, चंदू के पास पैसों की कमी होने लगी। चंदू ने अपनी पत्नी से कहा, कमला, कैसे गुजारा चलेगा? अगर ऐसे ही रहा तो हमें घर के बर्तन बेचने पड़ेंगे, और तुम हो, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम तो बस अपने मोबाइल पे लगी रहो। यह सुनकर कमला ने चंदू से कहा, अरे नाराज क्यों होते हो, मैं मोबाइल पर कोई मस्ती नहीं कर रही। ये देखो, मोबाइल पर आजकल घर बैठे ऑर्डर मिल जाता है, आप भी इस तरह अपनी दुकान मजे से चला सकते हो। कमला की बात सुनकर चंदू के मन में एक आइडिया आता है और वो अपने मोबाइल पर एक सिस्टम बनाता है। और चंदू उस सिस्टम पर अपने द्वारा दिए गए मटन के रेट और बाकी चीजें डाल देता है। अब गांव वालों को कभी भी मटन चाहिए होता था तो वो चंदू को फोन कर देते थे या उस सिस्टम में डिमांड कर देते थे। चंदू ताजा मटन ले जाकर उनके घर में डिलीवर कर देता था। चंदू के इस मोबाइल मटन शॉप की तारीफ सभी लोगों ने की। अरे वाह चंदू, तुमने अच्छा आइडिया निकाला है, हमें अभी भी ताजा ताजा मटन सप्लाई करते हो। धन्यवाद सर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जब मुझे जरूरत हुई तो मैंने अपना रास्ता निकाल लिया। देखा, मैंने कहा था ना, मोबाइल के जरिए काम बढ़ जाएगा, नए जमाने की तकनीक अपनाने से ही काम बनते हैं। और चंदू पूरे इलाके में मोबाइल मटन शॉप वाले के नाम से जाना जाने लगा। भूमिगत सोने का बस। खाजीपेट नाम के एक गांव में सुभाष नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास एक बस थी। उस बस को तरह तरह के यात्राओं के लिए, शादियों के लिए लेके जाता था और उसी तरह अपने घर को चलाता था। एक दिन सुभाष की बेटी रूपा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सुभाष सबका स्वागत करता है, आइए आइए, नमस्कार जी,
बैठिए, पहले कुछ स्वीट खाएंगे क्या? भाई सुभाष, हमको आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई, लेकिन ये बोलो दहेज में क्या मिल रहा है? भाई साहब, मेरे पास जो कुछ भी है तो ये बस ही है, मैं अपनी बस दहेज में दे दूंगा। ऐसा बोलते ही रिश्ता पक्का करके लड़की वाले चले जाते हैं। लेकिन उसी दिन रात को कुछ चोर आकर सुभाष का बस चोरी करके ले जाते हैं। अगली दिन सुबह जब सुभाष को ये बात पता चलता है, सर पकड़कर बैठ जाता है। और तभी चंपक सेठ वहां पर आता है और ऐसा बोलता है, क्या रे सुभाष, मैं तुम्हें ये बस देखकर ही उधार दिया रे, अब ये बस नहीं है तो मेरा कर्जा कैसे चुकाएगा? देख लो, मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर हड़प लूंगा और तुम्हारे गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। ऐसा मत करो चंपक सेठ, सारे गांव के सामने मेरा इज्जत मत निकालो। इज्जत होना है तो जाकर मर जाओ कहीं, लेकिन मेरा पैसा वापस कर दो बस। चंपक की बातें सुनकर दुखी होकर सुभाष एक नदी के किनारे चला जाता है। उस नदी में कूदकर अपने जान देने वाला ही था, इतने में नदी देवता प्रत्यक्ष हो जाती है और ऐसी बोलती है, अरे सुभाष, ये क्या है? खुदकुशी करना महापाप है बेटा। क्या करूं माता, मेरे पास इसके अलावा कुछ करने के लिए नहीं है, मेरा बस चोरी हो गया है और वो चंपक सेठ को पैसे नहीं दूंगा तो गांव में मेरा इज्जत नहीं रहेगा। चिंता मत करो बेटा, ये लो, मैं तुम्हें एक सोने का बस और कुछ सोने के सिक्के देती हूँ, तुम इससे तुम्हारी सारी संकट दूर कर सकते हो। ऐसा बोलकर देवता अदृश्य हो जाती है। सुभाष वह बस लेकर चला जाता है और उस बस को एक भूमिगत सुरंग बनाकर उसमें रख देता है ताकि कोई भी उस सोने के बस को ना देख सके। ठीक शादी वाला दिन भूमिगत सुरंग में से उस सोने के बस को निकालकर सभी लोगों को बिठाकर शादी के मंडप के लिए निकलता है। उस सोने की बस को देखकर चंपक सेठ और सारे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। तभी चंपक सेठ ने ऐसा बोला, क्या रे सुभाष, कुछ लॉटरी लग गई है क्या? जरा हमें भी बताओ। सुभाष हंसकर बस को चलाते निकल जाता है और धूमधाम से रूपा की शादी भी करता है। दहेज में सोने की बस को देखकर उसके ससुराल वाले भी पहले चौंक जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद देवता का दिया हुआ सोने के सिक्के बेचकर सुभाष भी खुशी खुशी से रहने लगा।